हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे साइंटिफिक चैनल पे। इस चैनल पे हम हमेशा ही ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो हमें साइंस में क्यूरियोसिटी बढ़ाने में मदद करता है। आप चाहो तो इस वीडियोस को बच्चों में शेयर करके बच्चों में साइंस से रिलेटेड क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग पीरियोडिक टेबल के बारे में दिखाऊंगा। ऐसा पीरियोडिक टेबल जो आप देखोगे तो ज़रूर बोलोगे कि हाँ, पीरियोडिक टेबल जो है वो मस्त है। मतलब आप इससे पहले जितने भी तरह के पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, शॉर्ट पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत तरह के पीरियोडिक टेबल, बट ये पीरियोडिक टेबल कुछ खास है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने इससे पहले मैंने एक पीरियोडिक टेबल के बेस पे एक वीडियो बनाया था, उसमें यह बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन एलिमेंट है जो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है और कौन जो है वो नहीं रखा गया है। वो कौन बनेगा करोड़पति पे यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। अगर नहीं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वह वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने यह बताया था कि कौन कौन एलिमेंट साइंटिस्ट के नाम पे हैं, कौन सा नहीं है और यह क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति पे एक बार पूछा गया था, इसलिए उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। ओके, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, आप अभी मैं आपको इसको शॉर्ट से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग बड़े स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि वो पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें क्या खास है। तो आप इस पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो, जो अभी आप स्क्रीन पे जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो इसमें आप देखिए कि ये सारे पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट है या नहीं, और ये पीरियोडिक टेबल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पीरियोडिक टेबल पे आप देख सकते हो कि कितना इजी लर्न हो जाता है कि पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट कहाँ ज़्यादा मिलता है, कौन सा एलिमेंट का क्या यूज हो सकता है, क्या एप्लीकेशन हो सकता है, उसके बेस पर ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। देख सकते हो आप साइड पर कि ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट में आपको हाइड्रोजन दिखाया गया है, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सन पे मिलता है। उसके बाद हीलियम, हीलियम जो है वह बैलून पे यूज किया जाता है। अब पहले हम नॉवल गैसेस को देख लेते हैं, ठीक है। नियोन जो है वह जो एड दिखाया जाता है, एड को बेहतरीन बनाने के लिए नियोन को यूज किया जाता है। फिर आर्गन लाइट्स में यूज किया जाता है, क्रैप्टॉन्स भी लाइट में यूज किए जाते हैं, जेनॉन आप देख सकते हो न्यूक्लियर लैम्प जो है उसमें यूज किया जाता है। उसी तरह आप हर एक जो पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ भी देखो, जैसे कि आप देख सकते हो जो एक 12 जो है जिसका एटमिक नंबर मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ ज़्यादा मिलता है, तो वह क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब जो पत्ता जो हरा रहता है उसका सेंट्रल जो एटम रहता है वह मैग्नीशियम से बना रहता है। ये क्वेश्चन जीके में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो उसी तरह आप सारे जो ये जो है आप अच्छे से देख लो। मैं आपको इसके बाद फुल फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये पीरियोडिक टेबल कैसा है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी एलिमेंट देख सकते हो, जैसे कि इरिडियम जो जो मशीन होता है ना, मशीन या तो फिर गाड़ी का जिसमें चौक का काम करता है उसमें इरिडियम यूज़ होता है, जिसका एटमिक नंबर है 77। फिर उस तरह करके आप बहुत सारे चीज़ों को ईजिली लर्न कर सकते हो इस पीरियोडिक टेबल के मदद से, क्योंकि इसमें फिगर के साथ साथ यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये सारे एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट है, बट वे सारे तो अभी एप्लीकेशन में नहीं है और वे सारे डिस्कवर हो चुके हैं बट वे सारे एप्लीकेशन में नहीं किए जा सकते। यहाँ करीब 98 एलिमेंट दिए हुए हैं जिसके यूजेज आप यहाँ से इजीली देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। अगर आपको यह पीरियोडिक टेबल चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और कैसा लगा ये बताइए, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि वह जो पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको बता रहा था वह देखने में किस तरह होता है, और यह पीरियोडिक टेबल कितना इजी कर देता है लर्न करने के कैपेसिटी को। पीरियोडिक टेबल जो कि पूरा पूरी जो एलिमेंट सब है वह पिक्चर के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि आप फर्स्ट पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन है 1 नंबर एटमिक नंबर, जो कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलता है सन और स्टार्स में। उसी तरह आप इधर जाओगे तो देखोगे आपको हीलियम मिलेगा, जो हीलियम का जो यूज होता है बैलून में होता है। उसी तरह करके आप 3 नंबर लिथियम जाओगे तो लिथियम का यूज़ कहाँ होता है, बैटरीज में होता है, जैसे कि आपका मोबाइल का बैटरीज होता है। उसी तरह बेरिलियम का यूज़ कहाँ होता है, फिर बाद में आप देख सकते हो बोरन का यूज़ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाने में होते हैं। कार्बन का यूज़ जानते ही हो कहाँ होता है, मतलब कार्बन सबसे कौन सा चीज़ है जो कि कार्बन से ज़्यादा बना हुआ है। नाइट्रोजन प्रोटीन में रहता है, ऑक्सीजन एयर में रहता है, और फ्लोरीन कहाँ रहता है, टूथपेस्ट में फ्लोरीन रहता है। उस तरह करके ये पीरियोडिक टेबल जो इस तरह से बनाने का जो कैपेसिटी वो इसे दूसरे पीरियोडिक टेबल से अलग बनाता है, और इससे आप कोई भी चीज़ को ईजीली लर्न कर सकते हो।
पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।